ये पूरी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही लगती है। महाराष्ट्र में एक लेयर लेकिन और है, वो है जो मराठा आरक्षण का मुद्दा आया और उस पर फिर आप लोग मान गए, 10% का दे दिया, अब वो कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। वहां आपकी क्या दलील होगी, क्योंकि मुद्दा उसके साथ फिर ओबीसी का दूसरे ढंग से नैरेटिव शेप करने की कोशिशें होंगी, हो रही हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या ये कोर्ट में टिकेगा? देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया है। पिछले समय हम लोगों ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, हाईकोर्ट में तो हमारे साइड से निर्णय आया और हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको सेट असाइड किया, उस समय किन मुद्दों पर उन्होंने सेट असाइड किया, ऐसे सारे मुद्दों का हमने अभ्यास किया। हमने एक चीफ जस्टिस भोसले साहब है, उनकी कमेटी तैयार की थी, उसने ऑब्जर्वेशन उसमें से निकाल कर एक रोड मैप तैयार करके दिया कि कहाँ का हम लोगों का डेफिसिट रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डेफिसिट पॉइंट आउट किया है। और हम लोगों ने एक बहुत एक्सटेंसिव सर्वे किया, 4 लाख लोग एक सर्वे कर रहे थे, 4 लाख, 4 लाख कर्मचारी, और 2.5 करोड़ घरों का सर्वे करके हमने उसका एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार किया। जो डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट हुई थी, उन डेफिशिएंसीज को हमने मेकगुड किया और उसके आधार पर हमने ये आरक्षण दिया है। और हमने ओबीसी के आरक्षण को कोई भी धक्का न लगाते हुए, उसको कहीं पर भी कोई डेंट न करते हुए ये आरक्षण दिया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्यायालय हमारी बात को मानेंगे और न्यायालय हमारे साइड से निर्णय देंगे।